टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है। शो के सभी किरदार ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ये शो अपने कास्ट को लेकर काफी चर्चा में भी बना हुआ है। कई पुराने किरदार इस शो को छोड़ चुके हैं, वहीं अब शो के एक और अहम किरदार के शो को छोड़ने की खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, फैंस को एक और बड़े किरदार की एग्जिट से झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर राज अनाथकर शो को छोड़ने वाले हैं। दरअसल राज इन दिनों अपने सॉरी सॉरी म्यूजिक वीडियो के जरिए खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने के प्रमोशन के दौरान राज ने एक पोर्टल से बात की। इसी दौरान राज से सवाल पूछा गया कि वो तारक मेहता शो से क्यों गायब हैं और क्या वो शो को छोड़ने का मन बना रहे हैं। इसी पर रिएक्ट करते हुए राज ने जवाब दिया, मेरे फैंस, मेरे दर्शक, मेरे शुभ चिंतक, ये सभी जानते हैं कि मैं सस्पेंस क्रिएट करने में बहुत अच्छा हूँ। मैं सस्पेंस बनाने में विशेषज्ञ हूँ। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले सस्पेंस पर से कब पर्दा हटाएंगे, इस पर राज कहते हैं, जो भी होगा मैं अपने फैंस को अपडेट कर दूंगा। वहीं राज से ये भी पूछा गया कि क्या वो ऐसी खबरों से डिस्टर्ब हैं। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। ऐसी खबरें मुझे किसी तरह से परेशान नहीं करती हैं। धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। बता दें कि पहले टप्पू के किरदार को शो में एक्टर भव्य गांधी निभा रहे थे, लेकिन जब भव्य गांधी ने शो को छोड़ा तब राज तारक मेहता शो से जुड़े और इस किरदार को उन्होंने आगे बढ़ाया। साल 2017 में राज की एंट्री हुई थी। भव्य ने टप्पू का किरदार 9 साल तक निभाया। इसके बाद राज के इस किरदार को निभाने के बाद ऑडियंस उन्हें इस रोल में पसंद करने लगी, लेकिन अब राज के भी शो को छोड़ने की खबरों ने हलचल बढ़ा दी है। बता दें कि राज का नाम बिग बॉस सीजन 16 से भी जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि मेकर्स उन्हें शो में लेने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। फैंस अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राज भी शो को छोड़ देते हैं तो क्या मेकर्स नए टप्पू को लेकर आएंगे और आखिर कब मेकर्स टप्पू की एग्जिट पर खुलकर बोलेंगे।